हे फ्रेंड्स, रनेश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज की वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व, जिसका नाम है ऐड फर्स्ट इन अ लिंक लिस्ट। तो एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट गिवन होगी आपको, उस डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर आपको ऐड फर्स्ट का प्रोग्राम कंप्लीट करना है। एक बार देखते हैं फंक्शन को कि एक्चुअल में है क्या। तो ये देखिए, ये रहा ऐड फर्स्ट इन अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। आपको एक पार्शल रिटर्न डब्ल्यू लिंक लिस्ट की क्लास मिलेगी। उस क्लास के अंदर आपको क्या करना है, रिक्वायर टू कंप्लीट अ बॉडी ऑफ अ ऐड फर्स्ट फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज सपोज टू ऐड एन एलिमेंट टू द फ्रंट ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड यू आर रिक्वायर टू अपडेट हेड। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे ना एक क्लास दे दी गई है, ये रही प्राइवेट क्लास करके दे दिया मैंने एक, जिसके अंदर डेटा है प्रीवियस है और नेक्स्ट है। क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो प्रीवियस भी चाहिए और एक नेक्स्ट भी चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में दो टाइप के पॉइंटर होते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट। ओके, सो ये दो टाइप के पॉइंटर्स हैं मेरे पास, प्रीवियस और नेक्स्ट, और मुझे इसके अंदर डेटा को ऐड करना है ऐड फर्स्ट, और कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं पहले से, जैसे कि एक कुछ हेड वेरिएबल बना रखे हैं, फिर टेल और एक साइज, और ये एक फंक्शन है टू स्ट्रिंग। तो ये हमें देखने की जरूरत नहीं है, और ये ऐड फर्स्ट मुझे इस फंक्शन को कंप्लीट करना है, और बाकी मेन फंक्शन है जो कि हमारे लिए पहले से लिखा हुआ है, तो इसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें बस इस फंक्शन को कंप्लीट करना है, मुझे इस डेटा को ऐड कर करना है इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर, वो भी फ्रंट में, और यूजिंग दीज पॉइंटर्स हेड टेल एंड साइज। इसको प्राइवेट इसलिए बनाया गया ताकि इसको बाहर के यूजर्स एक्सेस ना कर पाए, मतलब सिर्फ यूजर उसी को एक्सेस करेगा जिसको मैं पब्लिक बना के दे रहा हूँ उसे। ओके, सो ये सारे फंक्शन है हमारे पास, अब इन्हें करना है कंप्लीट। तो इसको करते हैं कंप्लीट, पहले समझते हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर किस तरीके से प्रोग्राम वर्क करेगा, एंड देन इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, सबसे पहले ऐड फर्स्ट मींस क्या होता है कि आपके पास एक लिस्ट है 10, यहाँ पर है हेड, फिर इधर आया 20, एंड इधर आ गया मेरे पास 40। ओके, एंड इधर आता है 50, यहाँ पर है टेल। मान लेते हैं ऐसी कोई डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। अब मैं यहाँ पर डेटा को ऐड करना चाहता हूँ इसके फ्रंट में, तो मैंने एक नोड बनाया, नोड बनाता हूँ मैं 60 नाम से, जो डेटा गिवन है मान लेते हैं 60 गिवन है। अब इसके पास भी दो पॉइंटर होंगे, एक होगा इसके पास नेक्स्ट, एक होगा प्रीवियस, मतलब डेटा एक्चुअल में ऐसा होता है, यहाँ पर होगा इसके पास डेटा और यहाँ पे रखा होगा नेक्स्ट, यहाँ पे रखा होगा प्रीवियस। तो डेटा के नेक्स्ट में मुझे 10 को अटैच करना चाहिए, और 10 के प्रीवियस में 60 को, और 60 का प्रीवियस किसे पॉइंट करेगा, किसी को भी नहीं। उसके बाद फाइनली मुझे अपने हेड को शिफ्ट कर देना चाहिए 60 पे। तो अगर मैंने इस लिस्ट को इस तरीके से वर्क करवाया तो क्या होगा, ये मेरी लिंक लिस्ट के अंदर 60 नाम का नोड जाकर अटैच हो जाएगा, वो भी 10 के फ्रंट में। तो बेसिकली मैंने उसको हेड पे जाके ऐड कर दिया, पर लिंक लिस्ट क्या पहले से ही मुझे गिवन होगी, जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि लिंक लिस्ट पहले खाली हो, तो मुझे हर टाइप के फंक्शन को यहाँ पे चेक करना होगा। कौन कौन से वेरिएबल देखेंगे हम, सबसे पहले सोचेंगे कि अगर साइज 0 हो तब क्या करें, अगर साइज 1 है तब क्या करेंगे, और अगर मेरा साइज कुछ n है तब क्या करेंगे। देखो इधर, अगर आपके पास n इक्वल टू 0 है, बेसिकली अगर आपके पास जो साइज है वो है 0, अगर आपके लिंक लिस्ट का साइज है 1, और अगर आपके लिंक लिस्ट का साइज है समथिंग n, अगर साइज 0 है तो हेड और टेल दोनों किसी नल को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों के दोनों नोड। मेरे पास एक नोड आया 60 नाम का, जिसके पास एक नेक्स्ट है और जिसके पास एक प्रीवियस है। मैं क्या करता हूँ, अगर दोनों ही नोड नल है तो हेड और टेल दोनों ही इसी को पॉइंट करने लगेंगे, तो साइज 0 हैंडल हो जाएगा। यानी कि अगर मेरा साइज 0 है तो हेड और टेल को 60 पे पॉइंट करवा दो, और साथ ही साथ अपने साइज को अपडेट करके अब कितना कर दो, 1 कर दो। ठीक है, अगर मान लो मेरा साइज पहले से ही कुछ गिवन है, यानी कि हेड और टेल दोनों एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं, डेट इज 60, अब साइज 1 है, अगर मुझे यहाँ पे ऐड फर्स्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इस सिनेरियो में मैं एक नोड लेकर आता हूँ, एक नोड लेकर आया डेट इज 70, एंड 70 के अंदर क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट में तो मैंने 60 को अटैच करा, और प्रीवियस में किसी को भी अटैच नहीं कर रहे, और हेड को उठाकर कहाँ कर दूंगा मैं, इस वाले जगह पर। तो पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, अब ये चीज़ आप ऐड कैसे करोगे, इस चीज़ को हम इस तरीके से ऐड करेंगे, नोड के नेक्स्ट में मैं हेड को अटैच कर देता हूँ, नोड के नेक्स्ट में हेड को अटैच करा, बट ये पूरी तरीके से ज्वाइन नहीं हुआ, जो अभी हेड गिवन है उसके प्रीवियस में नोड को अटैच कर दिया, एंड देन नोड का प्रीवियस तो आज भी नल को पॉइंट कर रहा था, उसके बाद मैंने अपने हेड को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया, तो हेड को मैंने शिफ्ट कर दिया, इसके बाद मेरा साइज कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अगर मान लो मेरा साइज पहले से कुछ गिवन हो, जैसे कि ऐसी कुछ लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट मान लो मेरे पहले से बनी हुई है, यहाँ पर टेल है,
ये इसका नेक्स्ट है और ये इसका प्रीवियस है, और ये रहा हेड, यहाँ पे है 10, 12, 15। अब मेरे पास एक नोड आता है, डेट नोड इज 60, मुझे 60 को ऐड करना है, और मेरा साइज कितना है इस वक्त 3। तो इस सिनेरियो में क्या करना है, इस सिनेरियो में मुझे ऐसा करना है, इस 60 के नेक्स्ट में, जैसे कि जो नोड है 60, इस 60 के नेक्स्ट में सबसे पहले मुझे इसको यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या करना होगा, अभी इसका प्रीवियस नल को पॉइंट कर रहा है, तो मैं इस 60 के नेक्स्ट में 10 को अटैच करूँगा, 10 के प्रीवियस में 60 को अटैच करता हूँ, एंड 60 का प्रीवियस तो नल था ही। उसके बाद अपने हेड को शिफ्ट करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, उसके जैसे लिंक लिस्ट के अंदर जाकर ये ऐड हो जाएगा। तो लिंक लिस्ट की जो पूरी लिंक लिस्ट थी हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट, उसके फ्रंट में जाके 60 ऐड हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, अगर आप ऐड फर्स्ट लिखने जा रहे हो तो आपको बस अपने प्रीवियस और अपने नेक्स्ट का ही ध्यान रखना है। ठीक है, देखते हैं जरा इसको कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। तो ऐड फर्स्ट के अंदर मुझे क्या क्या करना होगा ये देखते हैं इधर। देखो, अगर मान लो मेरा जो हेड है या फिर मेरा जो दिस डॉट साइज है, दिस डॉट साइज जो है वो 0 है, तब क्या करना है, दिस डॉट साइज नाम का वेरिएबल यहाँ पे हमने पहले बना रखा है। देखो, प्राइवेट इंट साइज, मैं यहाँ पे दिस क्यों यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर, ऊप्स की मेरी वीडियो पहली बन चुकी है, तो उस दिस कीवर्ड वाली वीडियो को एक बार देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये दिस क्यों यूज करना चाहिए हमें, दिस यूज करने से क्या होता है और उसके क्या फायदे हैं। तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके देख लेना एक बार। ठीक है, तो दिस यहाँ पर साइज हो गया। इसके अलावा अब देखिए इधर, यहाँ पर मुझे क्या करना है, अगर मेरा साइज 0 है तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हेड है और जो मेरा टेल है वो दोनों के दोनों सेम नोड को पॉइंट करे, बट यहाँ पर मुझे नोड बनाना पड़ेगा, अब तक मैंने नोड तो बनाया ही नहीं। तो मैं यहाँ पे ना जो फंक्शन है, ये काम करने वाला जो फंक्शन है, मैं इसके लिए एक अलग से फंक्शन लिख रहा हूँ। अलग से फंक्शन क्यों लिख रहा हूँ वो भी आपको आगे जाके समझ में आएगा। प्राइवेट वॉइड ऐड फर्स्ट करने को तो हम इसके अंदर भी कर सकते हैं काम, ऐड फर्स्ट नोड, बट इसके लिए मैं एक अलग से फंक्शन इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर मान लो मुझे कुछ कंडीशन चेक करनी हो तो इस फंक्शन का काम सिर्फ इतना होगा कंडीशन चेक करना, और ये फंक्शन कंडीशन चेक करने के बाद एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर देगा जो ऐड फर्स्ट करने का काम करेगा। तो इंडस्ट्री लेवल के ऊपर जब हम कोई फंक्शन लिख रहे होते हैं तो हमें ना इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जितना ज़्यादा हो सके फंक्शन ब्रेक करके लिखो, एक फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डेडिकेटेड हो, अगर मुझे ट्राई कैच यूज़ करना पड़ जाए कभी या फिर मुझे कुछ एक्सेप्शंस देखने पड़ जाए तो मैं वो भी यूज़ कर पाऊँ, उन सबका भी स्कोप हमें रखना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे दो फंक्शन बना रहा हूँ, एक प्राइवेट एक पब्लिक। प्राइवेट के अंदर मेरा एक्चुअल कोड होगा, पब्लिक वाला क्या करेगा, सारी वेरिफिकेशन करने के बाद मेरे एक्चुअल कोड को कॉल लगा देगा। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं क्या भेजूंगा आपको, एक नोड देने वाला हूँ। अब यहाँ पे लाइन लिखते हैं, अगर मेरा साइज 0 है तो दिस डॉट हेड और दिस डॉट टेल इक्वल इक्वल टू नोड कर दो, एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो हमें क्या करना था, हमने क्या डिसाइड किया था, अगर ऐसा नहीं होता तो नोड के नेक्स्ट में, नोड के नेक्स्ट में पहले हेड को अटैच करो। ठीक है, तो जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ डायग्राम में देखते रहना चाहिए, नोड के नेक्स्ट में पहले मुझे ऐड करना चाहिए दिस डॉट हेड को। तो ऐसा करने से हुआ क्या, नोड के नेक्स्ट में जब मैंने हेड को अटैच करवाया तो ऐसा लिखने से ऐसा ये हो गया, ये 60 नाम का नोड था, इसके नेक्स्ट में ये अटैच हो गया, बट हेड के नेक्स्ट, हेड के प्रीवियस में नोड को अटैच कर दो। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, दिस डॉट हेड के प्रीवियस में मुझे नोड को अटैच कर देना चाहिए। तो दिस डॉट प्रीवियस के नेक्स्ट में, दिस डॉट हेड डॉट प्रीवियस के नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर नोड को अटैच करा। इसका प्रीवियस वैसे भी बाय डिफॉल्ट नल ही है, देखो ऊपर बाय डिफॉल्ट नल ही है वहाँ पर। ये काम करने के बाद अपने हेड को शिफ्ट कर दो इस पे नोड पे, ये काम करने के बाद मुझे अपने हेड को शिफ्ट कर देना चाहिए नोड पे। तो जब भी आप अपने कोड को लिखने जाओ ना तो साथ ही साथ डायग्राम के अंदर वो चेंजेस भी परफॉर्म करते रहा करो, इससे आपके ना कोड गारंटीड सही चलेगा और आपकी गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अब इधर आते हैं, अब ये करने के बाद मुझे अपने साइज को ऑफकोर्स इंक्रीज कर देना चाहिए एक, और दिस कीवर्ड हमेशा लोकल वेरिएबल्स मतलब मेरे क्लास के जो वेरिएबल्स है ना उनको उनको पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब दिस क्या कहना चाहता है, मेरे क्लास में एक साइज नाम का वेरिएबल है उसको यूज़ करो, मतलब क्लास में बनाए गए फंक्शन या फिर क्लास में बनाए गए वेरिएबल्स को पॉइंट करने के लिए दिस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि मेरे क्लास के अंदर एक साइज नाम का एक वेरिएबल है उसको यूज़ करना है, या फिर मेरी क्लास में एक हेड नाम का वेरिएबल है उसे यूज़ करना है। ठीक, और ये तो नोड क्लास हो ही गई जिसके अंदर डेटा प्रीवियस नेक्स्ट और ये उसका कंस्ट्रक्टर हो गया, और यहाँ पे एक बेसिक सी क्लास है हेड टेल साइज और जिसके अंदर आपको ऐड फर्स्ट का एक फंक्शन कंप्लीट करना था, तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या मुझे यहाँ पे कुछ
ऑपरेशन चेक करने की ज़रूरत है? अगर ऐड फर्स्ट करने जा रहा हूँ तो कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे क्या करो, एक नोड बनाओ, न्यू नोड, जिसके अंदर आप एक वैल डालो और फिर आप यहाँ से कॉल लगा दो ऐड फर्स्ट नोड को, उसके अंदर नोड ट्रांसफ़र कर दो और ये उसको ऐड करके ले आएगा। तो ये था बेसिक सा प्रोग्राम ऐड फर्स्ट का, एक बार उसको रन करके देख लेते हैं। आई थिंक इसके इनपुट में, क्योंकि इनपुट तो कुछ पास ही नहीं हुआ, लेट्स अ ट्राई रन ऐड फर्स्ट टू, ऐड फर्स्ट फोर एंड स्टॉप, क्योंकि मैंने अपना मेन इस तरीके से लिखा हुआ। देखिए मेन में क्या है, जब तक स्टॉप नहीं आता और ऐड फर्स्ट आता रहेगा ये उसको रन करता रहेगा। तो रन करके देखते हैं, अगर ये सही चल रहा है तो इट मीन्स बैक एंड साइड पर शायद कुछ गलती हुई है। हाँ ये तो ओके, स्निपेट इज इनकम्प्लीट, स्निपेट इज इनकम्प्लीट। यहाँ पे इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि हमने इसको कभी प्रिंट नहीं किया, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड डी एल एल, इसको जाके प्रिंट कर लेते हैं। इससे मैं करेक्ट करवा देता हूँ, परफेक्ट, सबमिट करके देख लेते हैं। स्निपेट इज इनकम्प्लीट, उसको मैं सही करवा दूंगा एंड ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। तो देखो ऐड फर्स्ट का प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ऐड फर्स्ट। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, सिंगल लिंक्ड लिस्ट की क्लास। अच्छा इस, अब हमें देखो सिंगल लिंक्ड लिस्ट हमें लिखना आता है, सिंगल लिंक्ड लिस्ट बहुत ईजी था क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंटर वर्क करता था। डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट के अंदर क्या है, आपके पास दो पॉइंटर होने लग जाएंगे, तो आपके पास एक डेटा भी होगा और एक प्रीवियस होगा, एक नेक्स्ट होगा। तो नेक्स्ट प्रीवियस, ये दो पॉइंटर्स आपके पास है, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, प्रीवियस वाला प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा एंड इसकी एक चेन बन जाएगी। और ऐड फर्स्ट के अंदर हर बार क्या करना होता है, आपको फ्रंट में जाके डेटा को ऐड करना है और साथ ही साथ अपने हेड को भी शिफ्ट करना है और सारे लिंक्स को आपको ठीक तरीके से अटैच करना होता है। तो ये था आपका ऐड फर्स्ट का प्रोग्राम। आई होप ये वीडियो आपको सही लगा होगा, इसके अंदर आपको कुछ वैल्यूबल पॉइंट सीखने को मिले होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।